ललितपुर में जहां डीएम मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत गार्गी शिक्षा योजना एक योजना बेटी के द्वारा बेटी के लिए ग्राम प्रधान एवं पार्षदों का सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गार्गी शिक्षा योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि जनपद में गार्गी शिक्षिका योजना डीएम मानवेंद्र सिंह की पहल पर 3 अगस्त 2019 को ग्राम जाखलौर में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया गया। गार्गी शिक्षिका योजना के प्रथम चरण में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र में कुल 125 विद्यालयों में लागू की गई थी। गार्गी शिक्षिका योजना के प्रबंधन एवं संचालन के लिए गार्गी शिक्षिका योजना समिति का गठन कर पंजीकरण सोसाइटी रजिस्टर एक्ट 1960 के तहत कराया। प्रत्येक चयनित नियुक्त गार्गी शिक्षिका को 1000 रुपए प्रतिमा मानदेय के रूप में गार्गी शिक्षा योजना समिति के माध्यम से देने की व्यवस्था की गई। गार्गी शिक्षिका का चयन उक्त विद्यालय के प्रबंधन समिति द्वारा उसी ग्राम की पढ़ी लिखी बहू बेटी का चयन किया जाएगा। जनपद में 125 गार्गी शिक्षिकाओं का चयन एकल अध्यापिका अध्यापक विहीन विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में गार्गी शिक्षिका रोशनी राजा ने बताया कि गार्गी शिक्षिका के रूप में चयनित होने पर वह स्वयं को भाग्यशाली एवं गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि गार्गी शिक्षिका योजना एक बेटी एवं बहू के लिए विकास का एक सुनहरा अवसर है। जिलाधिकारी की यह पहल बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए एक उत्कृष्ट मार्गदर्शन है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि सेमिनार के आयोजन का उद्देश्य गार्गी शिक्षिका योजना की प्रगति की समीक्षा करना है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संचालन का मुख्य उद्देश्य लोगों के विकास के साथ साथ उन्हें अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करना भी है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में ग्राम प्रधानों एवं पार्षदों की भूमिका अहम होती है। सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में हम सभी का सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम प्रधान एवं पार्षद सरकार के वास्तविक प्रतिनिधि होती है, जिस कारण ग्रामों और शहरों क्षेत्रों के विकास एवं पिछड़ेपन का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानों एवं पार्षदों का होता है। गार्गी शिक्षिका योजना के माध्यम से जनपद ललितपुर की 125 बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया गया। इस योजना का संचालन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर 2019 से गार्गी शिक्षिकाओं को 1000 रुपए मानदेय के स्थान पर 2000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। गार्गी शिक्षिकाएं वेतन की आवश्यकता के साथ कार्य न करने हेतु समाज सेवा के भाव के साथ कार्य करें, जिससे समाज के विकास में उनकी भी भूमिका रहे। गार्गी शिक्षिकाओं के कार्यों की निगरानी का दायित्व प्रधानों एवं पार्षदों का है। जनपद में गार्गी शिक्षिका योजना 15 अगस्त से लागू की गई इसी वर्ष। इस योजना के तहत हमने 125 ऐसे स्कूलों को कवर किया है जो कि एकल अध्यापक स्कूल थे, जहाँ पर केवल एक अध्यापक था। वहाँ पर पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं था, एक अध्यापक कभी भी नहीं आता था, स्कूल बंद हो जाता था। वहाँ पर ऐसे स्कूलों को हमने एक गार्गी शिक्षिका के रूप में उसी गाँव की बहू या लड़की को तैनात किया है और सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से काम किया। उसमें हमने एक सोसाइटी का गठन किया है और उस सोसाइटी के तहत इन शिक्षिकाओं को 1000 रुपये का सम्मान मानदेय के रूप में दिया जाएगा। और आज हमने सभी के साथ उनको चरण नंबर से यहाँ पर युवा स्कूल में 2000 कर दिया है कि प्रतिमा उनको 2000 रुपये बाद मानदेय मिलेगा। और भविष्य में सोसाइटी जितना भी जन सहयोग प्राप्त कर सकती है उसके आधार पर उनका वेतन भी बढ़ा सकती है। और जो अभी 2 महीने से जो सरकारी शिक्षिकाएँ पढ़ा रही हैं उसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं और उन्होंने बताया है कि पूरे समय वो रहती हैं और वो स्कूल जहाँ पर कभी कभी पढ़ाई का माहौल दिखाई देता था नियमित पढ़ाई हो रही है और उसके परिणाम बहुत अच्छे। कुल कितनी शिक्षिकाएँ हैं? 125 शिक्षिकाओं को हमने अवसर दिया है और भविष्य में सोसाइटी चाहेगी तो 1 से अधिक सरकारी शिक्षिकाओं को स्कूल में जाना चाहिए। सर, आज के सेमिनार का प्रमुख उद्देश्य क्या? सेमिनार का पूर्ण उद्देश्य था कि गार्गी शिक्षिकाओं को फीडबैक मुझे चाहिए था, प्रधानों का और पार्षदों का फीडबैक चाहिए था। उस पर्पज से हमने इसको बताया था। काफ़ी अच्छा फीडबैक है हमारे पास, बहुत लोग तारीफ की है कि इसमें इस जनपद की शिक्षा काफ़ी पटरी पे आ गई है। जो स्कूल लगभग बंद रहते थे या पढ़ाई के नाम पर केवल औपचारिकता होती थी, वहाँ पढ़ाई का होता। जी, क्या नाम है आपका? रजनी राजा। जी बताइए, क्या आप लोगों ने स्टार्ट किया है गार्गी शिक्षिका, कैसा लग रहा है, किस टाइप की आपकी इच्छा थी? क्या गार्गी शिक्षिका योजना में जाके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि घर के अंदर रह के
स्कूल जाने तक का मौका मिला और समाज सेवा करने का भी बहुत ही सुनहरा बहुत ही अच्छा मौका मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद श्री मानवेंद्र सिंह को देना चाहती हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा स्कूल में जाके बच्चों के साथ पढ़ा के। किस तरह से पढ़ाती हैं आपका क्या आपकी एजुकेशन है क्या है? मेरी बीए है, एजुकेशन है। क्या लगता है अन्य शिक्षकों में और आप में क्या अपने आप में अंतर? अंतर से मुझे कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे बच्चों को पढ़ा के मतलब समाज सेवा करके समाज के लिए मतलब मुझे ये लगा कि मुझे करने का कुछ करने का मौका मिला है, एक सम्मान मिला है। बहुत बढ़िया।